वेलकम टू डिशिकेडमी डॉट कॉम। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ऑर्डर्ड लिस्ट। पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट, तो इस तरह दिखाई दे रही थी, और यह रहा इसका सिंटेक्स, राइट। सो ऑर्डर्ड लिस्ट यूज़ करने के लिए आपको अनऑर्डर्ड लिस्ट के जो टैग हैं उनको रिप्लेस करना है ऑर्डर्ड लिस्ट के टैग से, और ये वो सिंपल है। आपको यू की देखिए ओ लगाना है, ये हो जाएगा ऑर्डर्ड लिस्ट एंड यहाँ पर भी ऑर्डर्ड लिस्ट। ओके, सेव करके आउटपुट देखिए। अभी यहाँ पर बुलेट दिखाई दे रही है, रिफ्रेश करते हैं और ये देखिए 1 2 3 4 5 शो हो रहा है हमें, मतलब नंबर्ड असेंडिंग ऑर्डर में नंबर हमें शो हो रहे हैं। ठीक है, हम चाहते हैं 1 2 3 4 5 काउंटिंग के बजाय हमें ए बी सी डी ई एस दिखाई दे। सो आपको ऑयल लिस्ट मतलब ऑर्डर लिस्ट के एट्रीब्यूट में लिखना है टाइप इज इक्वल टू स्मॉल ए, रिफ्रेश। और ये देखिए आप चाहते हैं आपको स्मॉल नहीं बल्कि कैपिटल लेटर्स दिखाई दे ए बी सी डी जो काउंटिंग चल रही है वो वाले, तो आपको स्मॉल ए को रिप्लेस करना है कैपिटल ए से एंड ओके। अगर आप चाहते हैं आपको रोमन नंबर दिखाई दे तो आपको इस ए को रिप्लेस करना है स्मॉल आई से, सेव करिए एंड आउटपुट ये देखिए 1 2 3 4 5 ये ऑटोमेटिकली जनरेट होते जाएंगे। ठीक है, अगर हम लिस्ट आइटम बढ़ाते हैं 6 तो ये देखिए ओके। अगर आप चाहते हैं आपको कैपिटल रोमन दिखाई दे तो कैपिटल आई लिख दीजिए एंड ये देखिए ओके। आप फिर से चाहते हैं कि आपको 1 2 3 4 ही दिखाई दे तो आप यहाँ पर 1 भी लिख सकते हैं इस तरह, और या फिर आप इस एट्रीब्यूट को रिमूव भी कर सकते हैं। ओके, सो अभी हमारा जो ऑर्डर चल रहा है इसका वो चल रहा है 1 2 3 4 5 6। आप चाहते हैं कि जो लिस्ट है वो 1 से स्टार्ट ना होते हुए किसी और नंबर से स्टार्ट हो, तो जो नंबर आप चाहते हैं जहाँ से स्टार्ट होना चाहिए वहाँ आप स्टार्ट एट्रीब्यूट लगाइए ऑर्डर लिस्ट टैग में और वो नंबर यहाँ लिख दीजिए। इन दिस केस मैं चाहता हूँ कि ये नंबर स्टार्ट हो 25 से, लिस्ट जो है 25 से स्टार्ट होनी चाहिए। रिफ्रेश, ये देखिए 25 26 27 28 29 30। मैं चाहता हूँ कि ये 101 से स्टार्ट हो, ये देखिए ओके 1 से स्टार्ट हो, ये 1 से स्टार्ट होगी एंड डिफॉल्ट चले तो आप इस एट्रीब्यूट को हटा दीजिए। ठीक है, अब अगर आप चाहते हैं कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर की बजाय डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाए, मतलब जो नंबर चल रहे हैं अभी असेंडिंग में चल रहे हैं 1 2 3 4 5 6, आप जाते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में 6 5 4 3 2 1 इस तरह से, तो आपको ऑयल लिस्ट में लिख देना है रिवर्स्ड। ठीक है, केवल इतना लिखना है और ये देखिए 6 5 4 3 2 1 यहाँ पर आप स्टार्ट टैग भी लगा सकते हैं, अभी भी स्टार्ट होना चाहिए 20 से। ओके, तो इस तरह आप अपनी ऑर्डर लिस्ट को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जहाँ से नंबर स्टार्ट करना चाहे वहाँ से कर सकते हैं, जिस ऑर्डर में करना चाहे असेंडिंग डिसेंडिंग में उस ऑर्डर में कर सकते हैं, और जिस तरह की काउंटिंग आप चाहें उस तरह की काउंटिंग सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था ऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट का कस्टमाइजेशन। अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं डेफिनेशन लिस्ट। आप देखेंगे कि आप अपने वेब पेज में कोई डेफिनेशन या कोई टर्म किस तरह डिस्क्राइब कर सकते हैं। ओके, सो सी यू नेक्स्ट वीडियो की प्रैक्टिस। बाय बाय।